जेवलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु व्यास चलिए कहाँ थे हम लोग, एक मिनट, दर्शनाचार तक हो गया था, तपाचार छठवा होना है ना। सम्यक ज्ञान विलोचनस्य दधतः, सम्यक ज्ञान विलोचनस्य दधतः, श्रद्धान मरहन्मते, श्रद्धान मरहन्मते, वीर्यस्याविनिगूहनेन तपसि, स्वस्य प्रयत्नात्यते, स्वस्य प्रयत्नाद्यते, या वृत्तिस्तरणीव नौरविवरा, या वृत्तिस्तरणीव नौरविवरा, लघ्वी भवोदन्वतो, लघ्वी भवो दन्वतो, वीर्याचार महं तमुर्जित गुणम्, वीर्याचार महं तमुर्जित गुणम्, वंदे सता मर्जितम्, वंदे सता मर्जितम्, वंदे सता मर्जितम्, सम्यक् ज्ञान विलोचनस्य दधतः, श्रद्धान मरहन्मते, वीर्यस्याविनिगूहनेन तपसि, स्वस्य प्रयत्नाद्यते, या वृत्तिस्तरणीव नौरविवरा, लघ्वी भवो दन्वतो, वीर्याचार महं तमोर्जित गुणम्, वंदे सता मर्जितम्। सम्यक ज्ञान विलोचनस्य, सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र के साथ, अर्हन्मते संधानम दधतः। अर्हन्मते भगवान अर्हंत के मत में, यम सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करते हुए या नेत्र सहित श्रद्धानम दधतः, श्रद्धान को धारण करते हुए, दधतः यानी धारण करने वाले, ठीक है। तो अर्हत भगवान के मत में सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र सहित श्रद्धान को धारण करते हुए, ठीक है, ठीक है। फिर वीर्यस्य अविनिगूहनेन तपसि, स्वस्य प्रयत्नात् यते, यते यानी यति के, स्वस्य वीर्यस्य अपनी शक्ति को, अविनिगूहनेन न छिपाते हुए, प्रयत्नात् तपसि या वृत्ति, तप में या वृत्ति, जो वृत्ति है यानी प्रवृत्ति है वो कैसी है, भवोदनवतो, भवोदनवतो है ना, भव उद्वनवत, उदनवत, उदनवत भव यानी संसार, उदनवत यानी सागर, भवोदनवतो यानी भाव सागर,
तो भाव सागर से पंचमी का एक वचन हो गया भोजनवत। तो भाव सागर से लघवी तरनी है ना, भाव सागर से तरनी यानी कैसे पार करने वाली ना, नौका पार कराने वाली अभिवरा, ठीक है, छेद रहित, नौ रविवरा है ना, तो छेद रहित लघवी छोटी सी नौ इव, नौ की तरह है, नौ के समान है। कैसी नाव के समान है? छोटी सी नाव के समान है। क्या है? ताम बिरियाचारम, उस बिरियाचार को कैसे उर्जित गुणम, तम उर्जित गुणम है ना, तम उर्जित गुणम बिरिया सताम अर्चितम बिरियाचारम अहम बंदे, वो गुण सहित उर्जित गुणम यानी गुणों से सहित गुण युक्त सताम अर्चितम सत्पुरुषों के द्वारा पूज्जित बिरियाचारम बिरियाचार को मैं बंदे प्रणाम करता हूँ, उस बिरियाचार की मैं वंदना करता हूँ। कैसे बिरियाचार की वंदना करता हूँ? अर्हत भगवान के मत में सम्यक ज्ञान के नेत्र सहित श्रद्धान को धारण करने वाले और अपने शक्ति को न छिपाते हुए तप में प्रयत्न करने वाले यति के जो वृत्ति, तप को न छिपाने की जो वृत्ति है यति के अपनी शक्ति को न छिपाते हुए तप में प्रयत्न करने की जो वृत्ति है वह संसार सागर से तरनी पार करने वाली नाव लघवी नाव इव छोटी सी नौका के समान है। ठीक है, अभिविरा छेद रहित छोटी सी नौका के समान है। उस गुण सहित सत्पुरुषों से पूजित बिरियाचार की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, अगला अर्हत भगवान के मत में तिस्र सत्तम गुप्तयस्तनुमनो तिस्र सत्तम गुप्तयस्तनुमनो भाषा निमित्तो दया भाषा निमित्तो दया पंचेरियादि समाश्रया समितया पंचेन्द्रियादि समाश्रया समितया पंचव्रतानित्यपि चारित्रोपहितं त्रयोदशतयम् राच पूर्वं न दृष्टं परे राचारं परमेष्ठिनो जिनपते वीरं नमामो वयम् पूर्वं न दृष्टं परे
आचारं परमेष्ठिनो निर्पदे वीरं नमाहोऽयम्। तो राचारम वो विसर्ग हो गया, विसर्ग का र हो गया, नहीं परे में विसर्ग नहीं लगेगा। तीसरा सत्तम गुप्तयः तनु मनो भाषा निमित्तोदया। तनु यानी शरीर, मन यानी मन, और भाषा यानी भाषा वचन, मन वचन काय, इन तीन के निमित्त से उदय यानी होने वाली सत्तम यानी श्रेष्ठ तीसरा तीन गुप्तियाँ, तीन गुप्तियाँ मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, ठीक है। पांच इरियादि समाश्रया समितियाँ, इरियादि के आश्रित पांच समितियाँ, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेपण और वित्सर्ग समिति। पंच व्रतानी और हिंसा झूठ चोरी अपरम अपरिग्रह से वृत्ति लक्षण वाले पांच महाव्रत इति अपि, इन सब से सहित चारित्रोपहितम, है ना, चारित्रोपहितम तेरा कैसे, त्रयोदस्तयम चारित्रोपहितम, तेरा प्रकार का चारित्र सहित, ठीक है। आचारम पूर्वम न दृष्टम परहि, परे अन्य तीर्थंकरों के द्वारा पूर्वम पहले न दृष्टम नहीं कहा गया, ऐसे परमेष्टिने परमेष्टन जिन पते वीरम वमम वयम नमामो, ऐसे परमेष्टि स्वरूप जिनेन्द्र महावीर स्वामी को हम नमस्कार करते। पहले समझो इसका अर्थ क्या है, तीन गुप्ति, पांच समिति और पांच व्रत, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, ये तेरह प्रकार का चारित्र है। इस तेरह प्रकार के चारित्र के पालन का नाम चारित्राचार है। तो यहां कह रहे हैं तेरह प्रकार के चारित्र का जो आचार है ये महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य तीर्थंकरों ने पहले नहीं बताया, इसलिए हम महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं। क्या होगा, तुम आख कर दो, हम महावीर स्वामी को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो महावीर भगवान के द्वारा नहीं देखा गया ऐसे आचार्य को हम नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं, बिरियाचार्य को, चारित्राचार्य को। और कैसे चारित्राचार्य को नमस्कार कर रहे हैं, जिनको महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य तीर्थंकरों के द्वारा पहले न दृष्टम नहीं देखा गया या नहीं कहा गया। क्यों, इसका कारण है भगवान आदिनाथ के काल में सब शिष्य ऋजु बुद्धि के थे, ऋजु बुद्धि सरल। अब भगवान महावीर के काल के शिष्य वक्र बुद्धि हुए, तो अजित आदि पार्श्वनाथ पर्यंत सभी तीर्थंकरों ने सर्व सावध्य के त्याग रूप एक सामायिक चरित्र का ही उपदेश दिया। हम लोग वक्र बुद्धि हैं तो वक्र बुद्धि को रास्ता दिखाने के लिए हमारे बीच के भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि भैया हमें तो सब करना होगा, हम जल बुद्धि हैं। तो जल बुद्धि जीवों के कारण और आदिनाथ भगवान ने भी सबके लिए तेरह प्रकार का चरित्र बताया था। बीच के जितने भी तीर्थंकर हैं उन्होंने केवल एक सर्व सावधान आयोग का त्याग करने रूप चारित्र कहा था, ठीक है ना। तो अजितनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ तक एकमात्र सर्व सावध का त्याग रूप सामायिक चारित्र का वर्णन किया, समझ गया। बिना कहे करते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और अब वक्र बुद्धि होने के कारण महावीर भगवान ने कहा भैया तेरा करना पड़ेगा। आदिनाथ के समय में ऋजु बुद्धि थी तो उस समय भी तेरह प्रकार का चरित्र, ठीक है। पंचव्रत तो पहले से
कहाँ? अरे मूल रूप से पंच महाव्रत थे मान लिया, लेकिन 13 प्रकार का चरित्र नहीं था। चरित्र सावध के त्याग का नाम ही मूल था। चलिए ये सब व्याख्यान करने के लिए आता है, ये बात हकीकत है। मूलाचार में भी ऐसे आए श्रेष्ठ स उत्तम सप्तम, सप्तम नहीं सत्तम, सप्तम और सत्तम में अंतर है। सप्तम बोलोगे तो सात हो जाएंगे और सत्तम उत्तम सत्तम, सत यानी प्रशस्त, तम यानी प्रशस्तपना से सत्तम बना श्रेष्ठ। आचारम सह पंच भेद मुदितम, आचारम सह पंच भेद मुदितम, तीर्थम परम मंगलम, तीर्थम परम मंगलम, निर्गंथानपि सच्चरित्रमहितो, वंदे समग्रान्यतीं, वंदे समग्रान्यतीं, आत्माधीन सुखोदया मनुपमा, लक्ष्मीमविध्वंसनीम, मिच्छन केवल दर्शनावगमन, प्राज्ञ प्रकाशोज्ज्वला, प्राज्ञ प्रकाशोज्ज्वला, आचारम सह पंच भेद मुदितम। आचार के साथ किसको? आचार के साथ पंच भेद मुदितम, पांच प्रकार के भेद जिसके कहे गए हैं, उदितम यानी कहे गए। तीर्थम परम मंगलम, जो परम मंगल तीर्थ है, माने परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट मंगल रूप तीर्थ है। और निर्गंथान अपि, निर्गंथ मुनियों को भी, ठीक है। सच्चरित्र महतो, सच्चरित्र यानी श्रेष्ठ चरित्र, और महतो यानी पूजित, महितो यानी पूजित है ना। महता होना चाहिए, महता है कि महतो, महितो, महतो, महितो नहीं है ना, महतो है कि महितो, हाँ महतो ठीक है। तो पूजित क्या है? महान, सम्यक चारित से महता यानी क्या हो गया? महान। समग्रान यतीन बंदे में सभी मुनियों की वंदना करता हूँ। क्यों? आत्माधीन सुखोदया अनुपमा, आत्माधीन सुख के उदय सहित अनुपमाम अनुपम, ठीक है। लक्ष्मीम अभिध्वंसनीम इच्छन, अभिध्वंसनीम लक्ष्मीम अविनाशी लक्ष्मी की यानी की इच्छा करता हुआ। कैसी अविनाशी लक्ष्मी की? केवल दर्शनावगमन प्राज्य प्रकाश उज्ज्वलाम, है ना। केवल दर्शन, केवल ज्ञान रूपी
प्राज यानी उत्कृष्ट प्रकाश से प्रकाशित, ठीक है, अवगमन केवल ज्ञान दर्शन और केवल अवगमन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान के प्राज यानी उत्कृष्ट प्रकाश से उज्जवल हम आत्माधीन सुख के से सहित अनुपम केवल ज्ञान दर्शन और केवल ज्ञान के उत्कृष्ट प्रकाश से उज्जवल अविनाशी लक्ष्मी की इच्छा करते हुए मैं समग्रान यतीन बंदे मैं सभी मुनियों को प्रणाम करता हूँ। कैसे सभी मुनियों को प्रणाम करता हूँ? तो कह रहे हैं आचारम स पंच भेद मुदितम तीर्थम परम मंगलम, अर्थात जो परम तीर्थ मंगल रूप उदितम यानी कहे गए पंच भेदम आचारम स पांच प्रकारों के आचार सहित सच्चरित्र महतो सम्यक चरित्र से जो महान है ऐसे समग्रान यतीन बंदे अपि बंदे, उन यतियों की भी वंदना करता हूँ। अभी तो पांच चरित्र की वंदना की, अब चरित्र के आराधकों की वंदना की है। और आराधकों की वंदना क्यों की? कि आत्माधीन सुख के उदय सहित अनुपम केवल दर्शन केवल ज्ञान रूपी उत्कान के उत्कृष्ट प्रकाश से उज्जवल अविनाशी मुक्ति रूपी लक्ष्मी की इच्छा करता हुआ मैं आचार के साथ पांच प्रकार के भेद सहित यानी पंचव्रतादिक भेद सहित परम मंगल तीर्थ स्वरूप चरित्र से महान आचार के साथ सभी निर्गंथों की भी वंदना करता हूं। ठीक है, एक और ले ले, कल पूरा हो जाएगा, रन दो इतना ही रखो, दो हो गया, ये ले ले। चलो अज्ञानाद् यदविव्रतं नियमिनो अज्ञानाद् यदविव्रतं नियमिनो वर्तिष्यहं चान्यथा वर्तिष्यहं चान्यथा तस्मिन्नर्जितमस्यति प्रतिनवम् चैनो निराकुर्वति वृत्ते सप्ततयीं निधिं सुतपसा मृद्धिं नयत्यद्भुतम् मृद्धिं नयत्यद्भुतम् तन्मिथ्या गुरु दुष्कृतं भवतु मे स्वं निन्दितो निन्दतो निन्दितम् अज्ञानात् अज्ञान के कारण यत अविवृतम है ना, यत अविवृतम यदि किसी प्रकार का प्रवर्तन कराया गया हो, वृतम से अविवृतम बना, अज्ञान के द्वारा यद अविवृतम यदि प्रवर्तन कराया हो, कौन सा नियमिनो, किसके नियमिनो यानी मुनि को, च अहम और मैंने अवर्तिष्यहम मैंने कभी प्रवृत्ति की हो, किसी मुनि को कराया हो
और मैंने की हो, कैसे अन्यथा, ठीक है। तो यद अज्ञानात अज्ञान से नियमिनः मुनि को अन्यथा यद अविवृतम अन्यथा यदि प्रवर्तन कराया हो, च अहम और मैंने अन्यथा अवर्तसी मैंने अन्यथा प्रवृत्ति की हो, ठीक है, यानी खुद किया हो और कराया हो, तस्मिन अर्जितम असति, तस्मिन उसमें उस प्रवृत्ति में अर्जितम संचित क्या है, चयनों में से एन निकलेगा पाप, अर्जित पापम असति नष्ट करने वाले, नष्ट कर देता है, कौन करता है, अस नष्ट विनाश से आता है ना, असति नष्ट करने वाली, और प्रति नवम एनम च निराकुर्वती, और प्रति नवम नवीन पाप को निराकुर्वती यानी दूर करने वाले, ठीक है। सप्ततैम निधिम सुतप रिद्धिम नैतद्भुतम सुतपसाम, है ना, वृत्त यानी चारित्र में सप्ततैम यानी सात प्रकार की निधि कैसी, सुतपसाम यानी सुतप में वृद्धिम रिद्धिम यानी रिद्धि और नैति यानी प्रदान करती अद्भुतम, है ना। तो यहाँ पर निकलेगा सुतपसाम श्रेष्ठ तपस्वियों को अद्भुतम आश्चर्यकारी निधि स्वरूप, अद्भुतम निधि है ना, अधि निधि रूप सप्ततैम सात प्रकार की रिद्धिम नैति अर्थात सात प्रकार की रिद्धि को प्राप्त कराने वाले, ये तप हो गए ना, और वृत्ते यानी चारित्र में स्वम निंदतो अपने आप की निंदा करने वाले, ठीक है, मैं मेरे और तत् मिथ्या दुष्कृतम भवतु, तत् यानी वह जो अन्य गुरु आदि हैं उनके द्वारा स्वयं निंदितो निंदितम अर्थात उनके द्वारा गर्हित निंदित दुष्कृतम पाप मिथ्या भवतु मिथ्या होवे, इसको समझो। इसका अर्थ है कि अज्ञान या मोह से यदि मैंने यतियों के प्रवर्तन कराया हो, ये आचार्य की अपेक्षा गुरु की अपेक्षा, और उसकी ही तरह यदि मैंने खुद भी कोई पाप किया हो तो उससे अर्जित होने वाले पुरातन पाप और नए पाप को रोकने वाले चारित्र में मैंने जो भी दुष्ट अनुष्ठान किया हो उसकी उससे उपार्जित जो मेरा पाप है मैं उसकी निंदा करता हूँ, वो मेरे पाप विफल होए, और जो चारित्र में श्रेष्ठ प्रकार की सात प्रकार की रिद्धि प्राप्त कराने वाला है जिससे रिद्धियाँ मिलती है, उस चारित्र के निमित्त से यदि मेरे द्वारा अथवा मैंने किया हो अथवा कराया हो उनका ऐसा पाप मिथ्या होवे, समझ गए। एक शब्द लिखा, अपना यह चारित्र श्रेष्ठ तपस्वियों को निधि प्राप्त कराता है, इस प्रकार संदंसक नारी क्रिया से निधि और रिद्धि दोनों को प्राप्त कराती, जिस मुनि में शोभनी तप रहता वह परम मुनि ही निधि है उसको प्राप्त कराता है। एक ही क्रिया का दो कर्म से संबंध कैसे हो, नैतिक क्रिया द्विकर्मक है, जैसे बकरी को ग्राम ले जाता है, यहाँ ग्राम और अजा दोनों कर्म के बीच एक ही नीति क्रिया है, ये हिंद व्याकरण का नियम है। तो क्या हुआ इस श्लोक में, अज्ञान से मैंने किसी मुनि को अन्यथा प्रवर्तित किए, जो भी अन्यथा प्रवर्तन कराया हो और मैंने स्वयं अन्यथा प्रवृत्ति की हो, उस प्रवृत्ति में जो अर्जित पाप है उसको नष्ट करने वाले और नवीन पाप को दूर करने वाले श्रेष्ठ तपस्वियों की जो आश्चर्यकारी निधि रूप सात प्रकार की रिद्धियाँ प्रदान करने वाली है, जो बुद्धि रिद्धि तप रिद्धि विक्रिया रिद्धि और औषध रिद्धि रस रिद्धि बल रिद्धि अक्षीण रिद्धि,
ये सात प्रकार की रिद्धियां प्रदान करने वाली है। ऐसे चारित्र में मैंने यदि कोई दुष्ट अनुष्ठान किया हो तो मेरा वह चारित्र का जो दुष्कृत है वो मिथ्या हो, और औरों से कराया हो तो वह भी मेरा मिथ्या होवे। ठीक है, चलिए इतना ही रखिए। हाँ, हिंदी पढ़ो ना। हाँ, चैनों में निकलेगा चा एनम, चैनम चैन है, एना एन एन का अर्थ होता पाप, च यानी और से बन गया चैन, चैन में विसर्ग लग गया तो चैना, चैना विसर्ग का उ हो गया तो चैनो बन गया चैनो। एन शब्द का अर्थ एनस, एनस शब्द है, एना यानी पाप का, एन का पाप। मनवचतन की तथा महाव्रत पांच सही एरिया भाषा छेपने सन आदि समितियां पांच अपूर तेरह विदचारित है मात्र वीर के शासन में भाव भक्ति से पूर्ण शक्ति से नमन नमन हो छन शाश्वत स्वास्थ्य सुषमा लक्ष्मी अनुपम सुख की आली है केवल दर्शन बोध ज्योति है मनोरमा उजियाली है उसको पाने दिगंबरों को सब यतियों को नमन करो परम तीर्थ आचार यही है मंगल से अग समन पाप पुराना मिटता नूतन रुकता आना हो जिससे रिद्ध सिद्ध पर सिद्ध सिद्ध से बढ़त चरित से औ किस से प्रमादवश यदि इस यतिपन में यतिपन से प्रतिकूल किया कर किया निज की निंदा निंदित मिथ्या हो अगमूल किया।